Hello children, in this video you will get to know about HR tag. What is HR tag? HR tag kya hota hai? The HR or horizontal rule tag is used to draw a shaded horizontal dividing line completely across the screen. तो HR tag का क्या use होता है? इसकी help से आप एक shaded horizontal line draw कर सकते हो web page पर, okay? It is useful to separate major sections of a web page और इस HR टैग की हेल्प से आपकी लाइन आएगी और उस लाइन की हेल्प से आप वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, राइट? एचआर टैग इज एन एम्प्टी टैग सिंस इट डज नॉट हैव एनी इट डज नॉट हैव एन एंड टैग. एचआर टैग क्या है? एक एम्प्टी टैग है. इसके अंदर आप सिर्फ स्टार्टिंग टैग यूज करते हो. देयर इज नो नीड टू यूज द क्लोजिंग टैग. ओके, इट डजंट रिक्वायर द एंड टैग. ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी टैग. एचआर क्या है? एक एम्प्टी टैग है. Now here we have the attributes of HR tag. अब इन attributes को मैं आपको practically करके दिखाती हूँ one by one, right? Then at the same time I'll make you understand what are the features of different attributes of HR tag. Okay? Okay. So here we are starting HTML. Okay, HTML is a container tag. इसके अंदर आप क्या दोगे? Head. Head में आप दोगे title. राइट, टाइटल में आप कोई भी टाइटल दे सकते हो. जैसे हम दे देते हैं एचआर टैग ट्यूटोरियल. ओके, एचआर टैग ट्यूटोरियल, देन आप टाइटल टैग को क्लोज करोगे और हेड टैग को क्लोज करोगे. फाइन, ये हमारी हेडर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बॉडी टैग. फाइन, अब देखो बॉडी टैग है. इसके अंदर आप हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंटेंट लेते हैं. जैसे मैंने यहां से लिया, ये एक लाइन ले ली है. फाइन, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया. राइट, इसके बाद मैंने एचआर टैग यूज किया. एचआर हॉरिजॉन्टल रूल टैग अगेन. यहां से हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और राइट एंड देन अगेन एचआर. फाइन, वन मोर पैराग्राफ आई एम टेकिंग. ओके, देन we will close the body tag and then HTML. Fine. तो यहाँ पे अभी हमने कोई एटीब्यूट यूज नहीं किया है, सिर्फ एच आर टैग को सिंपली यूज किया है विदाउट एनी एटीब्यूट. ओके, अब इसका रिजल्ट देखेंगे. ओके, सेव करेंगे. इसको मैंने दे दिया एच आर डॉट एस टी एम एल. हमेशा एक्सटेंशन जरूर लगानी है जब भी आप सेव करोगे. फाइन, सेव. ओके, नाउ दिस इज आवर फाइल. हम इसको करते हैं ओपन विथ जो भी आपके पास एक्सप्लोरर है. मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेती हूँ. ओके, नाउ यू कैन सी आपका फर्स्ट पैराग्राफ आया है. फिर आपके पास एक शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइन आई है जो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर रही है. ओके, देन सेकंड पैराग्राफ, देन हमने फिर से एचआर टैग लगाया था तो शेडेड हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कंप्लीट वेब पेज को कवर कर रही है. फाइन, अब हम करेंगे एचआर टैग के एट्रीब्यूट. ओके, ओके, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा एचआर टैग का साइज एट्रीब्यूट. ओके, तो साइज एट्रीब्यूट से आप क्या करते हो? द साइज एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल टू बी ड्रॉन. साइज एट्रीब्यूट से आप उसकी थिकनेस स्पेसिफाई करते हो, उसकी विड्थ स्पेसिफाई करते हो. ओके, द साइज इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स. और ये किसमें देते हो? नंबर ऑफ पिक्सल्स. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल्स. साइज इसका जो इसकी थिकनेस है वो कितनी हो जाए? 50 पिक्सल्स हो जाए. ओके, द डिफॉल्ट साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल इज 2 पिक्सल्स. और बाय डिफॉल्ट जो अभी आपकी ड्रॉ हुई थी, जो अभी आई है, जब आपने कोई साइज नहीं दिया है, वो क्या है? 2 पिक्सल्स का साइज है. राइट, हमने क्या दे दिया साइज? 50 पिक्सल्स का साइज दे दिया है. और साइज किस लिए साइज एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल. ओके, इसको सेव करो. फाइन, रिजल्ट पे गए हैं. अब इसको हम क्या कर देंगे? रिफ्रेश.
देखो आप देखो कितनी थिकनेस हो गई है। ओके ये अब 50 पिक्सल्स आ गए। हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल्स दे देती हूँ या 20 दे देती हूँ। चलो 20 कर दिया, फाइन। एंड देन रिफ्रेश, अभी 20 पिक्सल्स हो गई है। मैंने जो फर्स्ट जो हमारी एचआर जो हमने जो पहली वाली एचआर हॉरिजॉन्टल रूल है वो 20 पिक्सल्स है, और जो सेकंड एचआर है जिसमें कोई भी साइज एट्रीब्यूट नहीं दिया है वो 2 पिक्सल्स ही है। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है विथ एट्रीब्यूट। ओके तो विथ एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? द विथ एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द रूल टू बी ड्रॉन। ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई करता है? हॉरिजॉन्टल रूल की लेंथ, कितनी लेंथ है। ओके द विथ इज स्पेसिफाइड आइदर इन द पिक्सल्स और इन परसेंटेज, राइट। और विथ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सल्स में भी, नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी और परसेंटेज में भी। वे 100% विथ मींस द फुल विथ ऑफ द वेब पेज। अगर मैं इसको कर दूं 100%, राइट, 100% का मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट विथ, मतलब कंप्लीट वो लेंथ होगी वेब पेज की। अगर मैंने इसको सिंपली 100% कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा विथ में। देखो कंट्रोल एस किया आपने एंड देन रिफ्रेश, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया विथ के अंदर, फाइन। अगर मैं इसको करती हूँ मान लो 70%, 70% कर दिया, 70% ऑफ द वेब पेज, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, 70% ऑफ द वेब पेज। ओके देन आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो 70% ये यहाँ इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक आ गई है। ठीक है, 70% कवर किया है इसने, फाइन। और आप इसको नंबर ऑफ पिक्सल्स में भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दे दिया अगेन, इसको इसकी लेंथ दे दी पिक्सल्स में 200 पिक्सल्स दे दो, फाइन, 200 पिक्सल्स दे दिए। नाउ देखो कितनी छोटी सी आ गई है यहाँ पर, इफ इट्स विजिबल। ओके तो यहाँ पे आपकी ये बिल्कुल स्मॉल सी रहेगी इन द सेंटर, फाइन। देन वी हैव नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है? नो शेड एट्रीब्यूट, पहले हम इसको लिख लेते हैं, नो शेड, नो शेड एट्रीब्यूट। नो शेड एट्रीब्यूट डिस्प्लेस द रूलर बार एज अ फ्लैट सॉलिड बार रेदर देन द डिफॉल्ट 3D बार। अभी देखो, अभी हम इसको देखते हैं तो ये क्या 3D लुक दे रही है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रूल है वो 3D लुक दे रही है। लेकिन जब आप नो शेड एट्रीब्यूट दे दोगे तो ये क्या बन जाएगी? फ्लैट सॉलिड बार। ठीक है, सॉलिड बार दिखेगी, 3D लुक नहीं इसका रहेगा, सॉलिड बार लिखेगी, सॉरी। और नो शेड क्या है? नो शेड में आपको कोई पैरामीटर नहीं देना है, सिर्फ नो शेड एट्रीब्यूट एज इट इज यूज करना। ओके मैंने नो शेड दे दिया है। Now you can see here. Refresh करेंगे, देखो ये सॉलिड फ्लैट बार हो गई है, पहले 3D लुक दे रही थी, अभी क्या है? सॉलिड फ्लैट बार। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट कलर। अच्छा, कलर एट्रीब्यूट में क्या आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल रूल का कलर स्पेसिफाई करोगे। आप कलर कोड में भी दे सकते हो और आप कलर सिंपल कलर नेम भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया येलो, फाइन। ओके येलो आ गया। आप इसको कलर कोड में भी स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर आपको कलर कोड्स पता है आप कलर कोड्स भी दे सकते हो। लाइक मैंने इस कलर कोड दे दिया FF, देखो कलर कोड मैंने रेड कलर का कलर कोड दिया तो क्या हो गया उसका कलर रेड, फाइन। यहाँ पे पहले हमने कलर दिया था येलो, आप सिंपल रेड भी दे सकते हो कलर कोड कीजिए, आप सिंपल कलर नेम दे दो, फाइन। कलर कोड या कलर नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके देन वी हैव अलाइंग एट्रीब्यूट। अलाइंग एट्रीब्यूट, ओके तो इट स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रूल। इट कैन एक्सेप्ट एनी ऑफ द 3 वैल्यूज, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो अलाइन में हम इसको लेफ्ट में भी अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में भी और राइट में भी। ओके बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, जब अलाइन एट्रीब्यूट नहीं होता और हमने साइज या नहीं दिया होता तो वो कंप्लीट
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, फाइन। तो इसकी हेल्प से आप जिस डायरेक्शन में चाहो वहां पे अलाइन कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको कर देती हूँ राइट, रिफ्रेश, राइट में चली गई। सेंटर में करना चाहते हो आप सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो आप लेफ्ट में कर सकते हो। ओके, सो हियर वी हैव डन एचआर टैग। ओके, एचआर टैग का क्या यूज है, इससे आप हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करते हो वेब पेज पे, राइट। और हमने कर लिया एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, विथ, नो शेड, कलर एंड अलाइन एट्रीब्यूट, फाइन।